जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एमपी जीके में एमपी के संभाग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है एमपी में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। ठीक है, और 10 संभाग को आज हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि एमपी में कौन कौन से संभाग हैं, तो उसकी ट्रिक बताएंगे। अब कौन से संभाग में कौन से ज़िले हैं, तो उसकी भी आपको ट्रिक बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है। आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको याद हो जाएगा, पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका क्या, एमपी, जिसे हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, सोया स्टेट, विभिन्न नामों से जाना जाता है। और दोस्तों जब हम इसके संभाग की बात करते हैं याद करने की, तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, गौरी की सास और भौजाई नाच रही है। गौरी की सास और भौजाई नाच रही है, इतनी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। और गा से क्या हो जाएगा आपका, ग्वालियर संभाग। ठीक है, ऊ से आपका हो जाएगा उज्जैन संभाग। ठीक है, री से आपका हो जाएगा दोस्तों रीवा संभाग, है ना। सा से क्या हो जाएगा आपका, सागर संभाग। और सा से आपका क्या हो जाएगा, शहडोल संभाग। ठीक है, भो से भोपाल संभाग, याद रख लेना है दोस्तों। और जा से आपको जबलपुर संभाग, ई से इंदौर, और ना से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, नर्मदापुरम। तो इस प्रकार से आपके कितने संभाग हो जाते हैं, 10 संभाग। आपको ट्रिक याद रखनी है कि गौरी की सास और भौजाई नाच रही है, गौरी की सास और भौजाई नाच रही है, इतना याद हो गया आपको, गौरी की सास और भौजाई नाच रही है, ये आपके 10 संभाग होंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमें देखना है कौन से संभाग में कितने जिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ऊपर, सबसे पहले हमारे ऊपर कौन सा आता है, चंबल संभाग। तो चंबल संभाग की ट्रिक जान लेते हैं, 3 जिले हैं चंबल संभाग में, कौन कौन से हैं, आपको ट्रिक याद रखनी है, चंबल के डाकुओं पे भिंडी और सेव मुरैना। चंबल में के डाकू बहुत प्रसिद्ध हैं दोस्तों, आपको पता होगा चंबल के डाकू। तो चंबल के डाकुओं पर भिंडी और सेव मुरैना, चंबल से आपका चंबल संभाग हो जाएगा। ठीक है, भिंडी से आपका हो जाएगा दोस्तों भिंड, है ना, सेव से आपका क्या हो जाएगा, सेवपुर, और मुरैना से मुरैना। तो आपको याद रखना है चंबल के डाकुओं पे भिंडी और सेव मुरैना, भिंडी और सेव मुरैना, इतना याद रखना है, और आपके चंबल संभाग के जो 3 जिला हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आपको बताना है ग्वालियर संभाग, है ना। ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं, सबसे पहली बात तो 5 जिले हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको ट्रिक जो है वो क्या याद रखनी है, अशोक की जिज्जी दतिया तुड़वावे शिवपुरी गई थी, अशोक की जिज्जी दतिया तुड़वावे शिवपुरी गई थी, ये चीज याद रखनी है। अशोक से आपका क्या बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, अशोक नगर। ठीक है, अशोक नगर इसमें आएगा आपका, ए अशोक नगर। ठीक है, और जी जी से, जी जी आए ना, तो जी से आपका क्या बन जाएगा, ग्वालियर, जी से आपका क्या बन जाएगा, गुना। ठीक है, दतिया से आपका दतिया है ही, है ना, याद रखना है। और आपको शिवपुरी से क्या हो जाएगा आपका, शिवपुरी। तो इस प्रकार से आपको 5 जिले याद रखने हैं, अशोक की जिज्जी दतिया तुड़वावे शिवपुरी गई थी, अशोक से अशोक नगर, ग्वालियर, गुना, दतिया और शिवपुरी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, अशोक की जिज्जी दतिया तुड़वावे शिवपुरी गई थी, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अब हमें बताना भोपाल संभाग के 5 जिले, भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, राजधानी है भोपाल। इस संभाग में कौन कौन से 5 जिले हैं वो देखो, आपको ट्रिक याद रखनी है, भोपाल को राज रायसेन के सीहोर से विदिशा चलो गो, भोपाल को राज रायसेन के सीहोर से विदिशा चलो गो, बिल्कुल बुंदेलखंडी ट्रिक है दोस्तों, है ना। भोपाल से आपका भोपाल संभाग हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो भोपाल, है ना। राज से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राजगढ़, राज से आपका राजगढ़ हो जाएगा। ठीक है, रायसेन से तो आपका रायसेन है ही, है ना, आपको रायसेन याद रखना है, रायसेन आपका ये रायसेन है। ठीक है, सीहोर से आपका सीहोर, ये सीहोर है आपका। ठीक है, विदिशा से ये विदिशा है आपका। तो आपको याद रखना है भोपाल को राज रायसेन के सीहोर से विदिशा चलोगा या विदेश चलोगा, ऐसे भी करने, विदेश चलोगा, भोपाल को राज रायसेन के सीहोर से विदिशा चलोगा। ठीक है,
ये आपको भोपाल संभाग के पूरे के पूरे जिला याद करवा देगा, ठीक है। अगला बताना है दोस्तों आपको उज्जैन संभाग, उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं। अब इनको कैसे याद रखना है, तो याद रख लेना है कि अगर देवास के शौर्य की चर्चा रात में ना होती तो नीमच को सजा उज्जैन में मिलती। बोल नहीं लग रहे रात में, कि अगर देवास के शौर्य की चर्चा रात में ना होती तो नीमच को सजा उज्जैन में मिलती, है ना। तो अगर से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आगर मालवा, ठीक है। देवास से आपका क्या हो जाएगा, देवास, ठीक है। देवास से आपका देवास हो जाएगा। सौर से आपका क्या हो जाएगा, मंदसौर, ये है आपका मंदसौर, है ना, मंदसौर। रात से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, रतलाम, रात में ना होती तो रतलाम, ठीक है। और नीमच से आपका नीमच जिला हो जाएगा, ये नीमच जिला, ठीक है। सजा से साजापुर हो जाएगा, ये साजापुर। और उज्जैन से उज्जैन संभाग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेना है आपको कि अगर देवास के शौर्य की चर्चा रात में ना होती तो नीमच को उज्जैन में सजा मिलती। कहाँ मिलती, नीमच को सजा उज्जैन में मिलती, या नीमच को उज्जैन में सजा मिलती, इस प्रकार से। तो अगर देवास के शौर्य की चर्चा रात में ना होती तो नीमच को सजा उज्जैन में मिलती, आप कभी नहीं भूल सकते दोस्तों। कोड में शब्द से भी बना सकता था आवासा, लेकिन आपको बहुत सारे एक ही शब्द से बहुत सारे जिलों का नाम, है ना, आता है। तो याद रख लेना, जैसे साजापुर, शहडोल, तो आवासा वाला नहीं होना चाहिए। अगर देवास के शौर्य की चर्चा रात में ना होती तो नीमच को सजा उज्जैन में ना मिलती, या उज्जैन में मिलती, ठीक है। अब आपको बताना दोस्तों जबलपुर संभाग के 7 जिला, जबलपुर संभाग में कौन कौन से 7 जिला हैं, तो इसको आपको जो ट्रिक याद करनी है वो क्या है, जब छिंदवाड़ा के नरसिंह का मंडोला, जब छिंदवाड़ा के नरसिंह का मंडोला तो बाल कटवाने सिवनी से गौ, सिवनी से गौ, कौन को, जब छिंदवाड़ा के नरसिंह का मंडोला तो बाल कटवाने जो है सिवनी से गौ, तो जब से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जबलपुर, ठीक है, जब से आपका जबलपुर हो जाएगा, इस प्रकार से याद रखेंगे, जब से जबलपुर। छिंदवाड़ा से आपका क्या हो जाएगा, छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा से आपका छिंदवाड़ा। नरसिंह से आपका नरसिंहपुर, ठीक है। मंडोला से आपका क्या हो जाएगा, मंडला। और बाल से क्या हो जाएगा आपका, बालाघाट, है ना। और आपको कटवाने से कटनी, कटनी, ठीक है। और सिवनी से दोस्तों आपका सिवनी। तो इस प्रकार से याद रखना है, है ना, कि जब छिंदवाड़ा के नरसिंह का मंडोला तो बाल कटवाने सिवनी से, सिवनी से गौ, है ना, सिवनी से गौ। तो ये यहाँ के आपके मैप हैं दोस्तों, मंडला, सिवनी, बालाघाट, कटनी, जबलपुर, नरसिंह। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब छिंदवाड़ा के नरसिंह का मंडोला तो बाल कटवाने सिवनी से गौ, है ना, ये याद रखनी। अगला है दोस्तों आपका इंदौर संभाग, और इंदौर संभाग में कितने जिले हैं, 8 जिले, और सबसे ज़्यादा जिले किस में हैं, इंदौर संभाग में ही हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इंदौर की बुआ की बानी ने, इंदौर की बुआ की बानी ने खरगोन को खंडवा दिया। बानी देख रहे हैं आप, किसी किसी की बानी इतनी खतरनाक होती, तेज होती, तो ऐसे ही इंदौर की बुआ की बानी ने खरगोन को खंडवा दिया और धार में कूद गई, तो अलीराज बुरा मान गए, तो अलीराज को बुरा लगा या बुरा मान गए। तो इंदौर से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदौर संभाग हो गया आपका, ठीक है, ये इंदौर हो गया। बुआ से आपका क्या हो जाएगा, झाबुआ, ठीक है, बुआ से झाबुआ। बानी से आपका क्या हो जाएगा, वड़वानी। खरगोन से आपका हो जाएगा क्या, खरगोन, ठीक है। खंडवा से आपका क्या हो जाएगा, ये खंडवा, ठीक है। और धार से आपका क्या हो जाएगा, ये धार, ठीक है। अलीराजपुर से आपका अलीराजपुर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है दोस्तों, ये बहुत ही है, बानी से आपका बड़बानी हो ही गया है। तो इंदौर की बुआ की बानी ने खरगोन को खंडवा दिया और धार में कूद गई, तो अलीराज को बुरा लगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ऐसी याद करनी है ट्रिक से, और आपको संभाग, इंदौर संभाग के जितने हैं सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिक अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है। अब दोस्तों अपने सागर संभाग के जिले हैं, सागर संभाग में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से अपन याद करेंगे, कितने जिले हैं, 6 जिले। कैसे याद करना है, दमो छतरपुर पन्ना सागर टीकमगढ़ लो जइयो, बाड़ी में लगा के पान,
ऊपर मौ करके खयो। इसको अच्छे से याद करना है। कैसे याद करोगे, एक बार फिर से पढ़ो। दमो छतरपुर पन्ना सागर टीकमगढ़ लो जइयो, बाड़ी में लगा के पान, ऊपर मौ करके खयो। तो याद रखना है दमो, है ना, तो दमो से आपका क्या हो जाएगा, दमो जिला हो जाएगा। ठीक है, दमो छतरपुर पन्ना है ये आपका, है ना, छतरपुर है और ये आपका पन्ना है दोस्तों, यहाँ पर पन्ना। सागर से आपका सागर संभाग हो जाएगा, टीकमगढ़ से आपका टीकमगढ़, है ना, बाड़ी से निवाड़ी हो जाएगा, निवाड़ी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और पूरे याद हो जाएंगे, ये दोहा याद रखना है आपको, है ना। अगर आपको अच्छा लगा दोहा तो कमेंट में जरूर बता देना कि सर बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये हो गया आपका सागर संभाग जिसमें 6 जिले हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों रीवा संभाग। रीवा संभाग में कितने हैं, 4 जिले हैं। अब इसको कैसे याद रखना है, रीवा की सतना सीधो सिंह इमारत है, बोले थे ना अपन गाँव वाँव में जाओ, बोले रीवा की सतना सीधो सिंह इमारत है। तो रीवा से आपका क्या हो जाएगा, रीवा, सतना से सतना, सीधो से सीधा सीधी, है ना, और सिंह से सिंगरौली। ठीक है, तो ये है आपका रीवा जिला दोस्तों, सतना, रीवा, सिंगरौली और सीधी, ये 4 जिला हैं इसमें। तो रीवा की सतना सीधो सिंह इमारत है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों आपको कि अपना शहडोल जिला है, शहडोल, शहडोल संभाग। अब शहडोल संभाग में कितने हैं, 4 जिला हैं। अब 4 जिले को कैसे याद रखोगे, कौन कौन से हैं, अनूप की उमरिया डोरी जी डोल रही, कहते नहीं है अपन, बोले गांव में कि अनूप की उमरिया डोरी सी डोल रही, है ना, याद रख लेना, बहुत ही बढ़िया है। अनूप से आपका अनूपपुर, उमरिया डिंडोरी, डोरी से डिंडोरी, है ना, और डोल रही तो शहडोल, याद रख लेना, बहुत बढ़िया है। कैसे बोलोगे, अनूप की उमरिया डोरी सी डोल रही, तो उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी, ये काय के हैं आपके शहडोल संभाग के, क्या हैं, जिला हैं, इनको याद रख लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है, बहुत ही फनी ट्रिक बनाई है मैंने ताकि आपको याद हो जाए। नर्मदापुरम का देखो, नर्मदापुरम में कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। ठीक है, बेटू हरदार नर्मदा लो संग जात है, बेटू हरदार नर्मदा लो संग जात है। तो बेटू से क्या बनेगा दोस्तों, आपका बैतूल। ठीक है, ये है आपका बैतूल, बेटू से बैतूल, और हरदा से आपका हरदा, हरदा से हरदा, संग जात है तो होशंगाबाद, संगा, है ना, संगाबाद, होशंगाबाद। तो ये 3 जिले हैं आपके नर्मदापुरम में। ठीक है, तो याद रख लेना है, अनूप की उमरिया डोरी सी डोल रही, है ना, बहुत बढ़िया है दोस्तों, और फनी ट्रिक है, आधी ट्रिक तो आपको ऐसा ही याद हो गई, एक बार और वीडियो देख लोगे आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो आपको ट्रिक कैसी लगी एक कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और मध्य प्रदेश का जितना भी जीके है मैंने बहुत सारी फनी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाई है, तो पूरी प्लेलिस्ट है एमपी जीके ट्रिक की, वो जरूर आपको देखना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, जितने भी हमारे साथी हैं जिनको ये फनी ट्रिक अच्छी लगी है और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल से आपको जुड़ना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है और प्लेलिस्ट में जाके देखना है, बहुत सारे एमपी जीके के, चाहे आपके मेले हों, चाहे आपके किले हों, मकबरे हों, समाधि, नदियाँ, जलप्रपात, सब कुछ याद करवा दिया है ऐसे, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, वीडियो बस देखना और सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर दिया है दोस्तों, व्हाट्सअप ग्रुप है अपना 9098609291, इस पर आपको मैसेज करना है, ग्रुप से जुड़ जाना है, और IAS स्टडी ट्रिक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, उसमें सर्च करना IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी आपको वो जरूर कमेंट में बताना और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना दोस्तों। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।